गुड मॉर्निंग, मैं हूं आशीष कपूर। आइए नजर डालते हैं मॉर्निंग हेडलाइंस पर। 25 विदेशी राजनयिकों का दूसरा जत्था कल जम्मू पहुंचा। वो यहां जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जिला प्रशासन के अधिकारियों और जम्मू संभाग के नागरिक समाज के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। 25 विदेशी दूतों का दूसरा जत्था जो जम्मू कश्मीर में है, चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों से मिले और उन्हें राज्य में सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी ली। पीओजे के रेफ्यूजियों को प्रधानमंत्री पैकेज के राहत राशि प्रदान करने की प्रक्रिया को सरकार ने सरल कर दिया है। राहत राशि लेने के लिए अब उन्हें बस एक ही दस्तावेज दिखाने की जरूरत होगी। इसके लिए अब आवासीय पता दिखाने के लिए नई मतदाता सूची या बिजली बिल या मौजूदा राशन कार्ड ही दिखाना काफी है। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत साल 1947, 65 और 71 के गुलाम कश्मीर के रेफ्यूजियों के प्रत्येक परिवार को 5.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसमें करीब 36,000 परिवारों को कवर किया जाना था, जिसमें से 30,000 परिवारों को राशि ऑलरेडी मिल चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला अनंतनाग और अवंतीपुरा में हिजबुल मुजाहिदीन व जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के लिए काम कर रहे 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान इन चारों युवकों से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। ये चारों संदिग्ध आतंकवादी पिछले कई महीनों से अपने अपने जिले में आतंकी संगठन के लिए काम कर रहे थे। इनका काम आतंकियों तक मदद पहुंचाना और क्षेत्र में युवाओं को आतंकवाद की राह पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना था। पुलिस विभाग से निलंबित किए गए डीएसपी देवेंद्र सिंह के आतंकियों संग पकड़े जाने के बाद पुलिस आतंकी गठजोड़ को खंगाल रही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस नेटवर्क में एक और सदस्य तनवीर अहमद वानी को पकड़ा है। अदालत ने तनवीर को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। एनआईए के डीएसपी देवेंद्र सिंह और उनके आतंकी साथियों से पूछताछ के आधार पर उनके एक अन्य साथी तनवीर अहमद और तनवीर बराड़ा को 10 फरवरी को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उसके बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उसका मेडिकल करवाया गया और फिर जम्मू लाया गया। गत बुधवार को उसे विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया। कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी की तबीयत बिगड़ने और निधन की अफवाह पर कश्मीर में तनाव पैदा हो गया है। बुधवार रात को आनन फानन प्रशासन ने पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने का निर्देश जारी कर दिया और वहीं एहतियातन इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की गुलाम कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद स्थित हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की इकाई ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई थी, जिसे गिलानी के परिवार ने खारिज कर दिया। 90 वर्षीय गिलानी के पुत्र नईम गिलानी ने कहा कि उनके पिता बेशक बीमार हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। नम्रता कटोच, कुसुम चिब और प्रवीण अख्तर ने 18वीं जेएनके यूटी एथलेटिक प्रतियोगिता के पहले दिन लड़कियों के वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर स्वर्ण पदक जीते। जम्मू कश्मीर एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रतियोगिता के मुकाबले जम्मू यूनिवर्सिटी में खेले जा रहे हैं। इसका उद्घाटन एसएसपी संदीप मेहता ने यूनिवर्सिटी के खेल एवं शारीरिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर दाऊद इकबाल की उपस्थिति में किया। प्रतियोगिता केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों से 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन लड़कियों के लॉन्ग जंप में नम्रता कटोच ने स्वर्ण, ऋचा मांडला ने रजत और शिवानी शर्मा ने कांस्य पदक जीता। HDFC और भारतीय स्टेट बैंक के बाद अब इलाहाबाद बैंक ने भी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट में कटौती कर दिया है। इससे ग्राहकों को फायदा होगा, क्योंकि अब उन्हें सस्ते में लोन मिलेगा। इलाहाबाद बैंक ने विभिन्न परिपक्वता अवधि के लिए MCLR में 0.05% की कटौती कर दी है। नई दरें 14 फरवरी से लागू हो जाएंगी। दिल्ली चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद बुधवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रिमंडल के सदस्यों के नामों पर चर्चा की। इस दौरान सभी विकल्पों पर विचार किया गया। वहीं शपथ ग्रहण को लेकर खास खबरें ये है कि इसमें किसी बाहरी नेता, अन्य राज्य के मुख्यमंत्री या VIP को न्योता नहीं बुलाया जाएगा। इसकी पुष्टि विधायक गोपाल राय ने खुद की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास जापान के तट के पास जहाज डायमंड प्रिंसेस पर सवार यात्री एवं चालक दल को सभी तरह की सहायता दे रहा है। क्रूज जहाज पर सवार चालक दल के 2 भारतीय लोगों की कोरोना वायरस के लिए जांच में नतीजे पॉजिटिव मिले हैं। जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि चालक दल के 2 सदस्य कोरोना वायरस जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं, हम आगे जानकारी देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि टोक्यो में भारतीय दूतावास जापान के योकोहामा तट पर स्थित डायमंड प्रिंसेस पर सवार चालक दल और यात्रियों के साथ लगातार संपर्क में है और सभी तरह की सहायता पहुंचाई जा रही है। कोरोना वायरस चीन के बाद अब दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। अब इस वायरस का असर टेक इंडस्ट्री पर भी पड़ा है।
इस वायरस के खतरे को देखते हुए GSMA ने दुनिया के सबसे बड़े टेक इवेंट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020 को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि GSMA कंपनी ही लंबे समय से इस इवेंट को आयोजन करती रही है। इससे पहले नोकिया, फेसबुक, वीवो, सोनी और अमेजोन जैसी कंपनियों ने इस कार्यक्रम से बॉयकॉट किया था। वहीं इन कंपनियों ने कहा कि हम इस इवेंट से हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि हमें अपने कर्मचारियों और पार्टनर्स की सुरक्षा इस वायरस से करने चाहते हैं। तो ये थी मॉर्निंग हेडलाइंस। आप बने रहें जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश और दुनिया की खबरों के लिए द अर्थ न्यूज के साथ। धन्यवाद।